हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, और उसमें हम एक्सरसाइज 4.1 कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो एक्सरसाइज नहीं किया तो यहाँ पर ये वीडियो का लिंक आ रहा है, उस वीडियो को देखकर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब आज जो है हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कर्व, CURVE, कर्व। हिंदी में इसे कहते हैं वक्र। ऐसे तो आम बोलचाल की भाषा में हम वक्र या कर्व हम उस लाइन को कहते हैं जो सीधी ना हो, जो लाइन स्ट्रेट नहीं है, हम उसको कर्व या वक्र कह देते हैं। लेकिन जब हम मैथ की लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें किसी भी तरह की लाइन, उसे हम कर्व या वक्र कह लेते हैं। किसी भी तरह की लाइन मतलब ऐसे कोई लाइन है, ये भी, ये कोई लाइन है, ये भी, ये आ रही है, ये भी सीधी आ रही है, ये भी एक दूसरे को काटते हुए फिर से आ रही है, ऐसे जैसे मर्जी। तो इस तरह से कोई भी लाइन जो है उसे हम कर्व कह सकते हैं, वक्र कह सकते हैं। तो यहाँ जितनी भी ये अभी आपके पास सामने फिगर्स आ रही हैं, ये सभी की सभी कर्व या वक्र हैं। अब इनमें अलग अलग टाइप्स आते हैं यहाँ पर कर्व या वक्र के, तो उनको देखेंगे हम। सबसे पहले हम कहते हैं ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व की बात करते हैं। खुला वक्र और बंद वक्र। तो जब भी कोई कर्व जो है वो पूरा इस तरह से बंद हो जाए तो इसे हम कहेंगे क्लोज्ड कर्व, बंद वक्र। और कोई ऐसे है और वो पूरा बंद नहीं हुआ है, अपने ही सिरे से नहीं मिला, इसमें कहीं कोई सिरा नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर सिरे नजर आ रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं ओपन कर्व या खुला वक्र। तो इस तरह से हमारे पास जब पूरा बंद है तो हम कहेंगे कि यह बंद वक्र है, क्लोज्ड कर्व है, और जब खुला है, उसके सिरे एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, तो हम उसे ओपन कर्व या खुला वक्र कहते हैं। उसके बाद कुछ कर्व ऐसे होते हैं जो अपने आप को नहीं काटते हैं, जैसे हमने पहले बात की कि अपने आप को काट रहे हैं और फिर से ऐसे मिल रहे हैं, या अपने आप को काट के फिर खुले ही रह रहे हैं, या कुछ ऐसे होंगे जो अपने आप को नहीं काटेंगे। तो जो कर्व्स खुद को नहीं काटते हैं, जैसे ये हैं, तो इसे हम कहते हैं सिंपल कर्व, सिंपल कर्व, सरल वक्र। तो ये जो हमने अभी टाइप पढ़े वक्रों के, कर्व्स के, ये आपने याद रखने हैं। कौन कौन से टाइप्स हो गए, तो इसमें हमने सबसे पहले तो कर्व्स बोला, कर्व्स में हमने फिर दो टाइप देखे, ओपन और दूसरा क्लोज्ड, और इसके बाद फिर हमने एक और तरह का देखे सिंपल। हिंदी में हम बात करें तो हमने वक्र देखा सबसे पहले, वक्र में हमने दो टाइप के वक्रों की बात की, खुला और बंद वक्र, और साथ में हमने एक और टाइप देखा सरल वक्र, जो खुद को नहीं काटता है। तो इस तरह से ये वक्रों के अलग अलग प्रकार हैं। क्वेश्चंस भी इसी तरह के आएंगे, उसमें आपको वक्र दिए होंगे और उनको पहचानना होगा सरल है कि नहीं है, खुला है कि नहीं है, बंद है कि नहीं है। कर्व्स दिए होंगे आपको, ओपन क्लोज्ड या सिंपल है या नहीं है, वो आपको बताना होगा। अब उसके बाद जब आपके पास क्लोज्ड कर्व है, बंद वक्र है, तो वो कुछ स्पेस कवर करता है, कुछ जगह घेरता है, जैसे हम ये किए बना लेते हैं यहाँ पर ये, तो ये पूरा एक बंद वक्र है, क्लोज्ड कर्व है। तो इसमें हम कोई पोजीशन देखना चाहें, किसी जगह की स्थिति देखना चाहें, तो उसके लिए तीन टाइप की हो सकती है। कोई पॉइंट हम लेना चाहें तो अंदर ले सकते हैं इस तरह से, जैसे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ये अंदर। कोई पॉइंट हम ले सकते हैं ये जो वक्र है इसकी लाइन पर, जैसे ये लिया, इसको बी ले लेता हूँ, और कोई इस लाइन से, इसकी बाउंड्री से बाहर भी ले सकते हैं कहीं भी, तो मैं यहाँ इस साइड ले लेता हूँ ये सी। तो जो पॉइंट ए है यहाँ पर, इसको हम कहेंगे कि ये इसके अंदर है। अंदर के लिए यहाँ जो वर्ड आता है वो आता है अभ्यंतर, हिंदी में अभ्यंतर और इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर। तो ए कहाँ है, तो ए इंटीरियर में है, अभ्यंतर में है। अभ्यंतर या इंटीरियर मतलब अंदर। उसके बाद अगर हम बी की बात करें, जो पॉइंट बी है, तो बी जो है वो कहाँ है, तो वो इस वक्र के ऊपर है, तो वो इसकी बाउंड्री पर है, ये जो इसकी सीमा है, तो उसको हिंदी में कहते हैं यहाँ पर परिसीमा पर, ये परिसीमा पर है, बाउंड्री पर, ऑन बाउंड्री, तो ये बाउंड्री पर है।
और पॉइंट सी, पॉइंट सी कहाँ है, तो वो बाहर है इसकी बाउंड्री से, तो इसे हम कहते हैं, तो इस तरह से हम इसको बहिर्भाग कहते हैं, ये बहिर्भाग में है, इंग्लिश में एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। तो ये भी आपने याद रखना है, कोई भी आपके पास कर्व्ड है लाइन आती है इस तरह से, बंद वक्र आता है, क्लोज्ड कर्व, तो कुछ पॉइंट्स उसके अंदर होंगे, अंदर को हम कहते हैं अभ्यंतर में या इंटीरियर में, कुछ जो उसकी बाउंड्री पर होंगे उसी लाइन के ऊपर, तो उसे हम कहेंगे परिसीमा पर है, ऑन बाउंड्री, और कुछ होंगे पॉइंट्स जो बाहर हैं, तो उन्हें हम कहते हैं बहिर्भाग में है, उसके एक्सटीरियर में है। तो अंदर, बाहर और ऑन बाउंड्री, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं बहुभुज, 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 या इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉलीगन्स। अब ये क्या है, ये भी फिर से वक्र ही हैं, कर्व ही हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ सरल रेखाएं आएंगी, स्ट्रेट लाइंस आएंगी, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स आएंगे, जैसे ये, इसे हम पॉलीगन कहेंगे, बहुभुज कहेंगे, इसे हम पॉलीगन कहेंगे, बहुभुज कहेंगे, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, इसे हम पॉलीगन कहेंगे, बहुभुज, इस तरह से आ रहा है तो इसे हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो आ रहे हैं जितने भी, ये वाला, ये वाला या ये वाला, इन तीनों में आप देखें तो ये लाइन सेगमेंट्स आ रहे हैं, इसमें सीधी सीधी रेखाखंड आ रहे हैं यहाँ पर, इसमें सीधा नहीं है, तो इसलिए इसे हम पॉलीगन नहीं कहेंगे। तो बहुभुज क्या है, ऐसी आकृति है जिसमें भुजाएं हैं, बहु मतलब काफ़ी सारी, पॉली मतलब काफ़ी सारी, काफ़ी सारी कितनी, कम से कम तीन आएंगी, दो से बन ही नहीं पाएगा, दो बन लगाएंगे तो आप बंद नहीं हो पाएगा, तो कम से कम तीन चाहिए आपको बंद करने के लिए, तभी आपके पास बनेगा बहुभुज। तो ये बहुभुज है, ये बहुभुज है, ये बहुभुज है, पॉलीगन है ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसमें सीधी सीधी रेखाखंड नहीं आ रहे, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स नहीं आ रहे, यहाँ पर कुछ घुमावदार भी हैं। तो इन सबको आपने ध्यान रखना है यहाँ पर, और उसके हिसाब से आपने ये एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 4.2। बहुभुज का थोड़ा सा यहाँ पर और भी है, वो भी देख लेते हैं, जैसे ये एक बहुभुज मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इसे हम पंचभुज कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पांच भुजाएं हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, पंचभुज, पेंटागन कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर इसका कुछ नाम रख लेते हैं, कि हर एक कोना जो है इसका, इसमें हम पॉइंट का नाम लिख लेते हैं इस तरह से, तो ये जो पेंटागन है इसका नाम बन जाएगा ए बी सी डी ई, इसके जो सिरे हैं, सिरे जो होते हैं इनको हम यहाँ पर शीर्ष कहते हैं, शीर्ष, ये जो सिरे हैं यहाँ पर, ये जो पॉइंट आ रहे हैं इन्हें हम कहते हैं शीर्ष, हिंदी में शीर्ष और इंग्लिश में वर्टिसेस। एक हो तो हम बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स का प्लूरल बनता है वर्टिसेस, तो ये ध्यान रखना है आपने, एक की बात करें तो वर्टेक्स लिखते हैं और एक से ज्यादा की बात करें तो वर्टिसेस लिखते हैं, हिंदी में हम शीर्ष ही कहेंगे। तो आपको पूछा जाए इस पेंटागन के, इस पंचभुज के शीर्ष कितने हैं, तो आप बोलोगे पांच हैं, एक, दो, तीन, चार और ये पांचवा। क्या क्या नाम है उनके, तो आप उसके नाम लिखेंगे, तो इस तरह से ए बी सी टी और ई कहेंगे, इस तरह से ये शीर्षों के या वर्टिसेस के नाम बनते हैं। उसके बाद साइड्स की बात करते हैं, इसमें साइड्स भुजाएं, भुजाएं कितनी हैं, तो भुजाएं होती हैं जो लाइन सेगमेंट्स आ रहे हैं, ये रेखाखंड जो आ रहे हैं ये नाम, तो पहला रेखाखंड ये आ रहा है, ये वाला, इसका नाम क्या है, ए से लेकर बी तक जा रहा है ये, तो इसका नाम बन जाएगा ए बी, इस तरह से ऊपर निशान लगाकर। दूसरा बी से सी तक भी है, बी सी। तीसरा सी से डी तक, सी डी। चौथा डी से ई तक, डी ई। और पांचवा ई से ए तक, ई ए। तो इस तरह से ये साइड्स या भुजाएं बनती हैं इसकी। उसके बाद है डायगनल्स, डायगनल्स विकर्ण कहते हैं हिंदी में, विकर्ण। अब ये विकर्ण क्या चीज है, विकर्ण आते हैं कोई भी दो जो अगल बगल में शीर्ष हैं, ये कोने, वर्टिसेस, इनको छोड़कर किसी और से मिलाएं, दूर वाले से, जैसे ये मिलाया, तो ये जो लाइन सेगमेंट बनता है, ये रेखाखंड, इसे हम कहते हैं विकर्ण डायगनल, अंदर जो आएंगी लाइनें इस तरह से, पड़ोसी को छोड़कर बाकी सब जगह मिला सकते हैं, जैसे सी को और कहाँ मिला सकते हैं, तो यहाँ भी मिल जाएगा ये, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ये भी बनेगी। तो एक आ गया ये सी ई, एक आ गया सी ए, सी ई सी ए। डी से देखें तो डी से क्या बन सकते हैं, तो डी से ए तक भी जा सकता है और डी से बी तक भी जा सकता है,
तो डी बी और डी ए ये बन गए, तो ये हो सकते हैं। अब ई से एक और बन सकता है, ये वाला रह गया, तो एक ये भी आ सकता है, इसका नाम हो गया बी ई। तो इस तरह से यहाँ पर ये पांच बन सकते हैं डायगनल्स, ऐसे ही अलग अलग होते हैं। जैसे हम अगर स्क्वायर की बात करें, वर्क की बात करें, तो उसमें हमारे पास दो ही आते हैं, एक ही आ जाएगा और एक ही आ जाएगा। तो ये विकर्ण हैं, डायगनल्स हैं। तो ये सभी बातें आपने कर्व्स, उसके बाद बहुभुज जो बात की हमने, पॉलीगन्स, उसकी साइड्स, वर्टिसेस और डायगनल्स, शीर्ष और उसके बाद भुजाएं और विकर्ण, ये सब आपने ध्यान में रखना है। और इनको ध्यान में रखते हुए आपने एक्सरसाइज 4.2 करनी है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये एक्सरसाइज 4.2 आपने करनी है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल से यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। आपने अगर इसको समझ लिया अभी जो मैंने आपको बताया, तो आप इसको ईजिली कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।